नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। रीवा का स्वास्थ्य विभाग एक्शन में नजर आ रहा है। सीएमएचओ ने मोर्चा संभाल लिया है। रीवा के सभी नर्सिंग होम में जाकर निरीक्षण करके उचित कार्यवाही की जा रही है। कुछ को जहां मौका मिल रहा है तो कुछ को नोटिस जारी की जा रही है। सीएमएचओ रीवा का मैदान में आ जाना इस बार की ओर इशारा कर रहा है कि अवैध तरीके से नर्सिंग होम संचालित करने वाले तत्काल अपनी कमियों को दूर कर ले, अन्यथा उनका अस्पताल बंद भी किया जा सकता है। जिस तरीके से जबलपुर की घटना के बाद रीवा का स्वास्थ्य विभाग एक्शन में है, माना जा सकता है रीवा के वह नर्सिंग होम संचालक जो रीवा की जनता को केवल लूट का घर समझते थे, काफी टेंशन में नजर आ रहे हैं। इस बारे में हमने रीवा के सीएमएचओ से बात की, जो इस समय सभी नर्सिंग होम का निरीक्षण कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूं सीएमएचओ दफ्तर में। जबलपुर में जो हादसा हुआ है उससे सबक लेकर रीवा का स्वास्थ्य अमला इस समय एक्शन के मूड में दिखाई दे रहा है। लगातार नोटिसें और स्पॉट इंस्पेक्शन की तैयारी हो रही है। आज बात इसी को लेकर, सर किस तरीके की तैयारी हो रही है? असल पर मेरा पूरा अमला जो है, जितने भी नर्सिंग होम हैं वहाँ की व्यवस्थाएँ, विशेष रूप से फायर के संबंध में जो घटना जबलपुर में हुई है, उस संबंध में नर्सिंग होम की क्या तैयारी है, क्या उपकरण लगाए गए हैं, तथा नगर निगम से एनओसी ली गई है कि नहीं, साथ में इलेक्ट्रिकल ऑडिट भी उनकी कि बिजली के ऐसे उपकरण या कनेक्शन वगैरह तो गलत नहीं लग टूटे उखड़े पड़े हैं, इस संबंध में विशेषकर हमारी टीम जा रही है जो परीक्षण करेगी। अगर परीक्षण दुरुस्त नहीं पाया गया तो उनको नोटिस देकर नर्सिंग होम बंद कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है। नर्सिंग होम बंद कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है। जिस तरीके से लगातार टीम एक्शन में आ रही है, जबलपुर में जो घटना हुई उससे ये सोच कर कि रीवा में कोई भी हादसा ना हो, हादसे के पहले एक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था, सारे नर्सिंग होम में इंस्पेक्शन। सर यहीं पर एक सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे नर्सिंग होम हैं जबलपुर में जो खासतौर से एक्सीडेंट हुआ उस पर देखा गया, उसमें दो रास्ते नहीं थे। अगर दो रास्ते हुए थे तो सारे लोगों को बचाया जा सकता था, तो क्या इस तरीके की भी नज़र रखेंगे आप? बिल्कुल इस ओर ध्यान रखेंगे। दो रास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी, किसी भी नर्सिंग होम में कोई भी घटना इस तरह की छोटी मोटी भी होती तो कम से कम दूसरे रास्ते से लोग भाग सकें। प्लस नर्सिंग होम के चारों तरफ 3.5 मीटर की जगह है जहाँ से कि हमारा फायर ब्रिगेड अगल बगल जा सके, पीछे भी जा सके, जिससे कि वहाँ पे आग की घटना को तुरंत कंट्रोल किया जा सके, इस हेतु भी ध्यान दिया जाएगा और उसके चारों तरफ जगह भी देखी जाएगी। सर अंतिम सवाल हमारा ये है कि रीवा शहर की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे नर्सिंग होम हैं जो बस्तियों के अंदर हैं, जहां आने जाने का रास्ता ही नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि अब खास तौर से उस पर भी नज़र रखने जा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल रखने जा रहे हैं, और अगर इस तरह का है तो उन पर निश्चित कार्रवाई होगी। वास्तव में बस्तियों के बीच जो है नर्सिंग होम होना ही नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है। इस संबंध में भी हमारी कार्रवाई हो रही होने जा रहे हैं। लगातार हम कार्रवाई करने के मूड में हैं। बस्तियों में अगर पूरे समुचित व्यवस्था नहीं है तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे। हमारी टीम आज से मैदान में है। कुछ इस तरीके से कहना था सीएमएचओ रीवा का।